बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़न सारी और आप देख रहे हैं इजाज़न सारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत से क्लब सैंडविचेस खाए होंगे, आज मैं आपको अपने अंदाज से क्लब सैंडविच बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बॉल के अंदर हमने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, इनको हम ऐड करेंगे और इनको आपने ग्रेट करके यूज़ करना है। तो सबसे पहले 3 टेबलस्पून लेंगे हम मायोनीज के, और उसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे ग्रेट की हुई गाजर। और प्लेटों को अच्छे से साफ़ करें, एक दाना भी, एक तिनका भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास ग्रेट की हुई बंद गोभी है, इसको आप बड़ी कटिंग भी कर सकते हैं छुरी के साथ, नाइफ़ के साथ, लेकिन ग्रेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, इसकी खुशबू सैंडविचेस में बहुत अच्छी लगती है, तो ये ज़रूर यूज़ किया करें। ये है हमारे पास बॉइल्ड एग्स, यानी कि उबले हुए अंडे, इनको भी हम ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेट करने में ये होता है, एक तो चीज़ एक जैसी छोटी हो जाती है, और दूसरी बात कि ये आसान होता है। अगर छुरी से इनको करना शुरू हो जाए तो काफ़ी टाइम लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं। तो हमने ग्रेट कर लिया है एक अंडे को भी इसमें, और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसमें जाएगी 1 चुटकी नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून, और दूसरी इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर आपने लेना है, ये भी 1/4 टीस्पून जाएगा, जो 2 चुटकी जस्ट। ये 2 मसाले इसमें जाएंगे जस्ट, और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट वेट सा फ्लेवर होता है इस सैंडविच का। क्लब सैंडविच बनाएंगे हम, तो एक ये लेयरिंग है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। एक और लेयर होगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगली जो ब्रेड हमने ली है एक, उसमें हमने चैडर चीज़ का यूज़ किया है, ठीक है। चैडर चीज़ आपने इसके ऊपर ग्रेट कर लेनी है, अगर आपके पास स्लाइस पड़ा हुआ है तो आप स्लाइस ले लें। तो हमारा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ है चीज़ का, हमें बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर ये 1 kg का जो पैक होता है पूरा, ये लेके आता हूँ। तो चैडर चीज़ का टेस्ट ज़्यादा होता है मोज़रेला चीज़ से, वैसे लोगों की अपनी अपनी पसंद, लेकिन मुझे चैडर चीज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रीमी होती है और इसका टेस्ट होता है बिल्कुल मक्खन के जैसा। अब हमने ये ग्रेट करके इसके ऊपर फैला दी है, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे मायोनीज, और मायो आपने लेनी है गार्लिक वाली, ठीक है, लहसुन के फ्लेवर वाली जो होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है सैंडविचेस के अंदर। ये ऊपर लगा दी, इसको इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब इसकी जो चीज़ है, इसको हम मेल्ट करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो आप पैन के अंदर इसको इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल सी आंच पे, मतलब मीडियम टू लो आंच के ऊपर ढक्कन रख के इसको आप मेल्ट कर लें, या इसको आप माइक्रोवेव ओवन में भी कर सकते हैं। ये जो क्रीमी क्लब सैंडविच होता है, इसके जो स्लाइसेस होते हैं इनको फ्राई नहीं करते, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो एक बैटर तैयार था, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सेहत से भरा, मतलब इसमें बहुत ही ताज़ा वेजिटेबल्स हैं। यह आप नाश्ते में बच्चों को दे, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। इसकी लेयर कंप्लीट कर लेंगे, और अब हमने ये एक इसके ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। अब इसके ऊपर जो आपने अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है चिल्ली गार्लिक सॉस, ठीक है, वो केचप जो चिल्ली वाला होता है, इसका फ्लेवर रेगुलर केचप से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरा इसके ऊपर हम स्लाइस रख देंगे, जो हमने ये चीज़ और मायोनीज वाला स्लाइस बनाया था। इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल्ड चिकन किया हुआ। अब इन साइड्स को हम रिमूव कर देंगे, ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो खुल के नज़र आए। और ये साइड जो आप उतारेंगे, ये किचन में आप खुद चुप करके खा लीजिएगा, लेकिन जिसको आपने सैंडविचेस सर्व करने हैं, वो कैसे करने हैं, ये बहुत अहम चीज़ है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें, साइड्स आपने रिमूव कर लेनी है इस तरह से, और बाद में कटिंग करके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।